स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज फ्री एग्जिस्टेंस अच्छा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसका फ्री एग्जिस्टेंस है आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम को भी कहा था और स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप मॉलिक्यूल को भी कह रहे हो दोनों चीजें कैसे हो सकती है भाई तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हालांकि हालांकिस्ट पार्टिकल एटम होता नहीं है बट डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम था लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सके तो कैसे कह सकते हैं हम ये तो जैसे कि आप ये जानते हैं पहले एग्जाम्पल देखो फिर डेफिनेशन समझाता ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ अगर ये एटम है तो ऑक्सीजन एटम्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन मैं ये जानता हूं कि एग्जिस्ट करता है O2, या फिर O3 करता है। अब O2 जो है, अब जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री एग्जिस्टेंस शो करता है विच शोज फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर सो दिस पार्टिकल विच शोज फ्री एग्जिस्टेंस इसको आप कहते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि ये O2 एक मॉलिक्यूल है इसी तरीके से O3 O3 ओजोन का एक मॉलिक्यूल है जबकि O एटम था तो क्या इंडिविजुअल एटम हमेशा एटम होगा वो कभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता तो जवाब है हो सकता है जैसे कि हीलियम को देखो तो हीलियम का जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इसको जुड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन ऑक्सीजन एटम जो थे वो आपस में जुड़ रहे थे ओ बॉन्ड ओ हो रहा था लेकिन हम ये जानते हैं कि हीलियम जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है तो हीलियम का एक एटम ही मॉलिक्यूल भी है और इसको आप ये भी कहते हैं कि ये मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से हमें समझ में आ गया है मोनो का मतलब होता है वन एटॉमिक का मतलब होता है एटम तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम है वो मोनो एटॉमिक है तो ओटू क्या है फिर ओटू के अंदर में दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के सो दिस इज अ एटॉमिक मॉलिक्यूल जबकि O3 जो था ओजोन इसके अंदर में तीन एटम है अब तीन एटम है तो इसको बोलेंगे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल 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 लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है बताना है कि यह पार्टिकल था क्या ओके तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ओके अगर एटम ही फ्रीली एग्जिस्ट कर सके तो वही हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा ठीक है यह समझ में आ गया हमें कि मॉलिक्यूल होता क्या है इसी तरीके से आप देखिए हाइड्रोजन इज एन एटम बट में एग्जिस्ट करता है H2, H2 यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम्स ओवरलैप होके बॉन्ड बनाते हैं तब जाके H बॉन्ड H बनता है और H2 जो कि एक मॉलिक्यूल था ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तो ये तो अब प्रॉपर्टी हो गई एटम की कि एटम कैसे एग्जिस्ट करना चाहता है क्या वो फ्रीली एग्जिस्ट करना चाहता है क्या वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहता है और उसके हिसाब से ही मॉलिक्यूल डिफाइन होगा अगर आप चाहें तो मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल तो हम दो पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एक पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स हो तो इसको कहते हैं हम मोलिक्यूल हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम मोलिक्यूल हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इसको आप एक और नाम से जानते थे दिस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जबकि एक दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम याद रखना टाइप ऑफ एटम कह रहा हूं दो एटम नहीं कह रहा हूं मैं दो या तीन आइटम से मेरे को फर्क नहीं पड़ता टाइप अलग होने चाहिए जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम वो अलग -अलग नहीं है वो एक ही टाइप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग टाइप है तो मोलिक्यूल है ओनली वन टाइप ऑफ एटम जो है ये बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ नहीं आया अच्छा एक और नाम होगा यहां पे पहले मैं नाम बता देता हूं फिर समझा दूंगा अगर एक से ज्यादा टाइप है तो इसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हेट्रो एटॉमिक ओके इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इससे पहले कि आगे बात करें एग्जाम्पल देख लिया जाए ताकि जितना भी मन में अगर आपके है थोड़ा बहुत भी डाउट तो वो हो जाए क्लियर तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के वन टाइप ऑफ एटम हो जैसे कि O2 O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो होमो एटोमिक होगा हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि देखो दो ही तो ऐटम थे इसके अंदर में तो इसको मैं डाई एटोमिक कहूंगा कह लो थ्री ओजोन ये भी एक मोनो सॉरी मोनो नहीं होमो एटोमिक है और तीन एटम है तो ट्राई इसी तरीके से आप H2 ले सकते हो N2 ले सकते हो व्हाइट फॉस्फोरस जिसको आप P4 बनाते हो जिसमें चार एटम्स होते हैं फॉस्फोरस के इसी तरीके से S8 S8 क्या है ऑक्टा सल्फर ऑक्टा सल्फर मतलब समझे आठ सल्फर के एटम्स हैं इसके अंदर में तो इसका नाम है ऑक्टा सल्फर तो एक एस एट मॉलिक्यूल में ऑक्टा सल्फर के अंदर में आठ सल्फर के एटम्स होते हैं ओके नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल एच देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरीके के एटम हो गए तो दिस इज अ हेट्रोएटॉमिक एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है तो हेट्रोएटॉमिक और इससे बनता है कंपाउंड जबकि अगर ओनली वन टाइप ऑफ एटम हो तो एलिमेंट बनता है H2O हो गया H2SO4 हो गया एच एन ओ थ्री ले सकते हैं आप देन और एग्जाम्पल आप ले सकते हो के सी एल ओ फोर एच सी एल ले सकते हैं एक्सेट्रा 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 खूब सारे हो जाएंगे कंपाउंड समझ में आता है ओनली वन टाइप ऑफ एटम होगा तो होमो एटोमिक मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होगा तो हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दो तरीके से आप मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हो और उससे देखो इस मॉलिक्यूल के क्लासिफिकेशन से आप एलिमेंट और कंपाउंड को भी ले सकते हो सो भाई? NH4 नहीं क्या है याद रखो NH3 होता है NH3 थ्री इज अमोनिया अब अमोनिया जो है इसके अंदर में क्या है एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम हुआ तो ये हेट्रोएटॉमिक होगा NH4 अगर आपको देखना है तो NH4+ कह सकते हो आप अब NH4+ में एक से ज्यादा तरीके के एटम है लेकिन इसको एक अलग नाम दे देते हैं क्या कहोगे इसको इसको आप कहोगे आयन है ये क्योंकि इसके ऊपर चार्ज भी है तो इसको आप आयन के नाम से भी बोल सकते हो ओके आयन क्लासीफाई कर सकते हैं ओके और चाहो तो और ज्यादा क्लासिफिकेशन चाहिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आप कैटायन बोल लो नेगेटिव चार्ज होता तो एनायन बोल लेते तो एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी बहुत सिंपल किसी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हम पूछ लें इधर लिख देंगे हम मॉलिक्यूल और इधर आपको बताना है एटोमी सिटी तो फटाफट आंसर बताते जाओ क्वेश्चन का पहला है के दूसरा है एच टू ओ तीसरा है एच टू एस ओ फोर लिखते चलिए आंसर फटाफट आपसे होता जा रहा होगा तो आप आंसर अपनी कॉपी में बनाते चले हम्म और क्या कर सकता हूं मैं एक एग्जाम्पल एच एन ओ थ्री का भी ले लिया जाए तो एटोमिसिटी के में एक के एक सी एल दो एटम प्रेजेंट है तो H2O में, याद रखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है तो हाइड्रोजन का दो ऑक्सीजन का एक टोटल हो गया तीन एच टू एसओ फोर का निकालो जल्दी से एच टू एसओ फोर का सॉल्व करो जल्दी से आंसर बताओ क्या है तो दो हाइड्रोजन है एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है सबको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पे आ गया कितना सेवन आ रहा है ओके okay, ओ का कितना होगा देखिए दो एटम है सिर्फ यहां पे तो एटोमिसिटी टू ओ थ्री एटोमिसिटी थ्री HNO3 एन में कितना हो जाएगा एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन तो तीन एक चार और एक पांच तो एटोमिसिटी हो गई यहां पर पांच एच एन ओ थ्री के लिए इसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एटोमिसिटी निकाल सकते हो ओके okay? किसी भी मॉलिक्यूल सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप एटोमिसिटी निकाल सकते हो चाहे वो होमो एटॉमिक हो या हेट्रो एटॉमिक हो इससे फर्क नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं कि पी की एटॉमिसिटी बताओ या S8 की एटॉमिसिटी बताओ तो P4 में चार फॉस्फोरस एटम है एक मॉलिक्यूल में तो फोर हो जाएगा एस एट में एट सल्फर के एटम्स होंगे तो एटोमिसिटी एट हो जाएगी सिंपल है ना एटोमिसिटी कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें नंबर ऑफ एटम्स अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स है याद रखना नोट कर लिया हमने अब हमने मॉलिक्यूल्स की तो बात कर ली एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ये बात कर ली कौन कौन से तरीके के एटम्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल में वो भी देख ली अब एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालें हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नोट कर लिया हमने तो मैं आगे पहुंचूंगा और लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल एटॉमिक मास जैसा है एटॉमिक मास याद है आपको मास ऑफ वन एटम वाज एटॉमिक मास तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास अब सवाल बस इतना सा उठता है कि जिसका मॉलिक्यूल उसका मॉलिक्यूलर मास या जिसका मॉलिक्यूलर मास उसका मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो निकालना चाहते हो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ये पॉइंट जरा सा ध्यान दो आप जरा अगर मैं आपसे कहता हूं ध्यान दे रहे हो कि नहीं अगर मैं कहता हूं मॉलिक्यूल आपको दे रखा है मैंने और मैं चाहता हूं कि आप मोलिकुलर मास बताओ फॉर एग्जाम्पल एच के लिए तो H2 का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा अब देखो हमने ये पहले देख रखा था कि एक हाइड्रोजन का एटम atom, का एटॉमिक मास 1 एम था और दो हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ वन एटम Into one, और one क्या था AMU unit में था मास तो हो जाएगा AMU याद है ये मास कैसे निकाला था, atomic mass? Atomic mass हमने निकाला था था हमने रिलेटिव क्या था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या था प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि जनरली मास नंबर होता है तो मास नंबर इंटू एएमयू कर देंगे तो एक एटम का मास अब कितने एटम्स का मास चाहिए तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे अच्छा समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ गया है एच टू ओ का मॉलिकुलर मास कितना होगा वॉट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ एच टू ओके ओके देखिए दो हाइड्रोजन है तो टू इंटू वन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है यहां पे एक और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है ये होता था सिक्सटीन अब ए नहीं लिखा आपने हाँ नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैं आखिरी में लिखूंगा तो ये हो गया एटीन एमयू राइट right? हाइड्रोजन का मास टू इंटू वन प्लस ऑक्सीजन का मास सिक्स तो ये हो गया एटीन ए इतना ध्यान से क्यों बता रहा हूं मैं एटॉमिक मोलिकुलर मास निकालना क्योंकि जब मैं ग्राम मोलिकुलर मास निकालना सिखाऊंगा ग्राम मोलिकुलर मास एक मोल का मास जब मैं वहां सिखाऊंगा तब फिर मैं क्या करूंगा एएमयू की जगह फिर मैं जो हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के साथ किया था सेम चीज यहां भी करेंगे जो मोलिकुलर मास है उसको एएमयू की जगह ग्राम कर देंगे आगे बात करेंगे उसके बारे में अगला एग्जाम्पल लिखे बताना है आपको H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होगा सल्फर का मैं बता देता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 32 सल्फर का 32 है ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का तो आप जानते ही है वन होगा एच टू एसओ फोर का फाइंड करना है मोलिकुलर मास फटाफट फाइंड करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है एच टू एस ओ फोर का हो गया तो अब के सी एल का निकालो देखो एच टू एस ओ फोर जिनका नहीं आया वो देख लो हाइड्रोजन थे यहाँ पे टू तो टू टू वन प्लस सल्फर सल्फर का कितना है 32, कितना था सल्फर एक ही था प्लस ऑक्सीजन कितने थे चार सबको कर देंगे हम फटाफट एड मल्टीप्लाई और आंसर आ जाता है यहां से 98 एट ए एम यू अच्छा हो गया केसीएल का देखिए पोटेशियम पोटेशियम का होता है कितना होता है भाई थर, पोटेशियम का होगा थर्टी नाइन होगा अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्लोरीन का होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव अब कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं क्यों याद करनी पड़ती है आपको पता चल चुका है बिकॉज जब मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे फिर तो पोटेशियम का है थर्टी नाइन का था थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सो आंसर आ जाता है सेवनटी फोर पॉइंट फाइव एम यू तो चलो मैंने अब तुम लोगों को इतना हिंट दे दिया इतना बता दिया है तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से सी एल टू का मोलिकुलर मास कितना होगा व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सी एल टू और सी एल टू के बाद आप बताएंगे एच एन ओ थ्री का मोलिकुलर मास okay. का हो गया तो क्लोरीन का था थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और ऐसे क्लोरीन थे कितने आपके मॉलिक्यूल में दो तो टू इन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दैट इज सेवेंटी वन ए अब जल्दी से एच एन ओ थ्री का निकालो इन so HNO3 एन ओ थ्री वी हैव हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का आप कितना लेंगे हम तो नाइट्रोजन का होता है 14 amu plus प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई 3 into 16 सबको कर दीजिए फटाफट मल्टीप्लाई और ऐड तो ये आ गया 63 amu यूनिट का ध्यान रखना है आपको है ना सिर्फ नंबर नहीं बताना है यूनिट भी आपको बताना होगा तब जाके काम चलेगा क्योंकि अगर आपने सिर्फ 63 कह दिया सिक्सटी तो थ्री आप क्या कंसिडर करें भाई यूनिट क्या एक एटम का मास है या एक मोल का मास है एक एटम का, एक का का मास है या एक मोल का मास है वो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा इसलिए यूनिट बता दें तो ज्यादा अच्छा रहे है। okay, तो ये हमने सीखा मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का मास को मोलिकुलर मास कहते हैं अब मोलिकुलर मास से हम पहुंचते हैं ग्राम मोलिकुलर मास से तो सबसे पहले बात हो जाए डेफिनेशन की मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्राम मोलिकुलर मास जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी एम एम भी लिख दिया मैंने और आप ये जानते थे कि वन मोल एक नंबर होता है जो कि होता है अव गैटो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू थ्री तो इसको आप लिख सकते थे क्या मास ऑफ सिक्स जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स इज जी एम एम ग्राम मॉलिकुलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा या 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स का मास जीएमएम कहलाएगा क्यों कहलाएगा बिकॉज वन मोल सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री के बराबर होता है तो दोनों को आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो हाँ कर सकते हो अब जरा एक कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल से इसको समझ लिया जाए सो फॉर ओ टू मोलिक्यूल सो मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास ओ टू का जो है वो होगा कितना तो एक ऑक्सीजन का आप जानते थे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटोमिक मास होता है सिक्सटीन तो ये हो जाएगा दो ऑक्सीजन एटम थे तो टू इंटू सिक्सटीन ए एमयू दैट इज 32 amu आपको एक मॉलिक्यूल का मास अब जो है पता चल चुका है मैं जानना चाहता था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का तो एक मोल का मास कितना है मैं वो डेरिवेशन चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखो मेरे को एक मॉलिक्यूल का मास तो पता है अब मैं क्या करूँ कि एक मोल का मास निकालने के लिए मैं यह कर सकता हूं कि gmm बेसिकली है क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 यही तो होगा और अगर आपको किसी सबस्टेंस के एक मोल का मास चाहिए तो आप यह कह सकते हो कि एक मोल एक नंबर है तो वन मोल इंटू मास, वन ओ टू। और मास वन ओ टू जो था वो आपको पहले से पता है दिस सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दॉ ट्वेंटी थ्री वन मोल कितना हमने थर्टी टू ए अब वन ए आपको पता था कितना है वन ए का हम पहले से कैलकुलेशन कर चुके थे ग्राम सब्सिट्यूट कर दीजिए सो दिस इज सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द्वेंटी थ्री इंटू थर्टी टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दॉर माइनस ट्वेंटी फोर अब याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था हमने ये देख रखा था दैट 6.02 पॉइंट जीरो इंटू वन पॉइंट माइनस ट्वेंटी फोर की वैल्यू आती है नियरली इक्वल टू वन ये हम लोग देख चुके थे तो अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूं और ये याद रखिए पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम में था तो अपना आंसर आ जाता है यहां से थर्टी टू ग्राम इसका मतलब समझे इसका मतलब समझे क्या कह रहे हैं अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता है तो आप एक मोल का मास निकाल सकते हो कैसे आपको बस एएमयू की जगह ग्राम करना है याद रखो जमीन आसमान का अंतर है ऐसा नहीं है एएमयू और ग्राम अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल वन एएमयू एमयू इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स इन टू ट्वेंटी फोर लेकिन न्यूमेरिकली अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको मोलिकुलर मास पता है यानी एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में पता है तो आप कह सकते हो कि एक मोल का मास जो है वो एएमयू एमयू हटा के ग्राम लिख सकते हैं लेकिन डेफिनेशन तो बदल गया हां बदल गया मतलब बदल गया बिल्कुल बदल चुका है बट अपन ये कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास में आप ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम मोलिकुलर मास मिलेगा एटॉमिक मास से काम नहीं चलता था ऐसे समझो दैट हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास वन मोल ओ टू है वन मोल ओ टू है तो आपके पास है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री ओ टू ये एक इंपॉर्टेंट एनोलॉजी है इसको आप सही से समझो देखो वन मोल का मतलब क्या है सिक्स पॉइंट जीरो अगर वन मोल ओ टू का है तो सिक्स पॉइंट ट्वेंटी थ्री ओ टू के मॉलिक्यूल्स होंगे और आपने ये भी देखा कि वन मोल ओ टू जो था उसका वेट कितना था भाई वो था थर्टी टू ग्राम जिसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहे थे तो आप यही तो कह रहे थे एक मोल का जो मास होता है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे तो एक मोल ओ2 का मास जो है वो 32 ग्राम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 32 ग्राम में 6.02 10 टू द पावर 323 ओ2 के मॉलिक्यूल्स होंगे क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल अगर 32 ग्राम है और 1 मोल की वैल्यू 6.02 10 टू द पावर 23 है तो यानी कि थर्टी टू ग्राम ओ टू ही तो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दी थ्री है यानी पहले वाले में हमने देखा था कि हमने कहा था कि मोल मास नंबर रिलेशनशिप तो देखिए ये मास कौन सा है ग्राम मोलिकुलर मास और एक नंबर कौन सा नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट कर पा रहे हैं हम मोल से याद रखो ग्राम से कभी मोलिक्यूल में नहीं पहुंचोगे डायरेक्टली मोलिक्यूल से कभी आप ग्राम में नहीं पहुंचोगे आपको बीच में मोल निकालना ही पड़ेगा ये चीज अगर हमें समझ में आ गई कि मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप है एक और एग्जाम्पल देखो अगर मेरे पास वन मोल एच टू होता तो मैं ये कह सकता था कि मेरे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द्वेंटी थ्री एच टू के मॉलिक्यूल्स हैं और वन मोल एच टू का वेट कितना है तो आपने देखना एक एटम एक हाइड्रोजन का मास था वन ए एमयू तो दो हाइड्रोजन का मास हो गया टू ए तो अगर ग्राम मोलिकुलर मास चाहिए तो वो हो जाएगा टू ग्राम अब मैं यहां कह रहा हूं कि टू ग्राम अगर आपके पास एच टू है ना तो आपके पास है सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू थ्री मतलब दो ग्राम हाइड्रोजन के अंदर अगर सिर्फ दो ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास तो उसके अंदर आपके पास इतना 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द्वेंटी थ्री एच टू के मॉलिक्यूल्स हैं यानी समझिए आप हाइड्रोजन कितना छोटा था कि सिर्फ दो ग्राम दो ग्राम कितना होगा अगर अमाउंट में देखोगे तो बहुत छोटा सा होगा उसके अंदर में ही इतने सारे मॉलिक्यूल थे 10 टू के ऑर्डर का इससे हमें इंडिकेट हो रहा है कि H2 कितना छोटा था कितना छोटा था लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 ग्राम H2 के अंदर में 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दि ट्वेंटी थ्री एच है ओ के अंदर में क्या देख रहे हैं थर्टी ग्राम चाहिए ओ का तब जाके यानी कि सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम नंबर ऑफ मास पे नहीं आ रहे हर सब्सटेंस का एक अलग अलग मास होगा जिसमें आपको वन मोल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और वो जो मास होगा वो कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर तो अगर आपसे मैं कहूं मेरे को एन टू के अंदर में बताओ कि मेरे को 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दि ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स चाहिए एन टू के तो कितना ग्राम मास चाहिए होगा मुझे ओके okay? कितना ग्राम मास चाहिए होगा तो मैं कह सकता हूं कि 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दि ट्वेंटी थ्री का मतलब हुआ वन मोल एन टू और वन मोल एन टू का वेट कितना है ग्राम मोलिकुलर मास लेकिन N2 का मोलिकुलर मासिकुलर मास के बराबर नहीं अलग है कितना है एन टू का ग्राम मोलिकुलर तो नाइट्रोजन का होता था एन टू तो का हो जाएगा ट्वेंटी इसी तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस के लिए यह चीज कैलकुलेट कर सकते थे राइट एन टू का बोल रहा हूं कल को मैं एच टू बोलूंगा H2SO4 बोलूंगा तो किसी भी सब्सटेंस का आप रिलेशनशिप देख पा रहे हैं मोल को नंबर से रिलेट किया मोल को मास से रिलेट कर दिया तो ताकि मैं मोल्स और नंबर को रिलेट कर सकता डायरेक्टली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है मोल का दैट इज मास और नंबर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये दे सकता है आप मास देख के बता सकते हो समझ रहे हो आप मास देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्या अगर आपको कह दिया जाए कि यहां पे नाइन ग्राम नाइन ग्राम एच टू ओ है और आपको पूछ लिया जाए यहां पे कि कितने इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं तो आप बता सकते हो कैसे बता सकते हो कि एच टू ओ जो मॉलिक्यूल था उसका एक मोल का वेट ग्राम मास 18 ग्राम था कैसे पता निकाल रखा था 18 ग्राम वॉज द ग्राम मोलिकुलर मास तो 18 ग्राम मतलब एक मोल एक मोल मतलब 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू और मेरे पास है कितना 9 ग्राम मतलब 18 का हाफ एग्जैक्टली exactly. 18 का हाफ है मतलब मेरे पास एक मोल का हाफ है आधा मोल है मेरे पास और अगर आधा मोल है तो एक मोल जब 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू है तो हाफ मोल कितना होगा 3.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू या फिर जीरो पॉइंट नंबर आप इसको कह सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अब इसको फॉर्मूले के टर्म्स में अपने को याद रखना है ये तो हुआ समझने के लिए बट समझ के अगर अपन करने लगेंगे तो एक फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे हम जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो पहला फॉर्मूला होगा अगर हम निकालना चाहते हैं मोल्स तो मोल्स हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास यानी मास को ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा समझो इसको मैं कह रहा हूं कि 28 ग्राम एन टू था अगर ट्वेंटी ग्राम एन टू था अगर तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास एन टू, एन टू, तो एन टू का ग्राम मोलिकुलर मास कितना था 28 तो मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास मास 28 है तो बताओ मोल्स कितने होंगे तो मैं 28 एट रखूंगा यहाँ ग्राम वॉलिकुलर मास रखूंगा यहाँ 28 कर दूंगा डिवाइड आ जाएगा मेरे पास मोल्स वन. अगर मैं कहता हूं मेरे पास 14 ग्राम है क्या है 14 ग्राम एन तो 14 यहाँ 28 एट यहाँ समझ में आ रहा था ट्वेंटी मतलब एक मोल तो फोर्टीन मतलब हाफ होगा तो हाफ मोल हो गया तो अगर कोई एक ऐसा नंबर दे दूं आपको जो सीधा सीधा डिवाइड होता नहीं दिख रहा आपको फिर क्या करोगे आप तो उसके इसमें फॉर्मूले पे आना है अपने को जरूरत पड़ जाता है कई बार अच्छा यहां से अगर मेरे को मास निकालना होगा तो मैं ग्राम मोलिकुलर मास मोल्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स इनटू ग्राम मोलिकुलर देन दूसरा रिलेशनशिप है हमारे पास अगर आपको मोल्स निकालना है तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवगैदो नंबर अब किसके मोल्स आ रहे हैं एटम्स के मॉलिक्यूल्स के आयंस के किसके मोल्स तो किसके लिए निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है तो मोल्स किसके हो जाएंगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवगैथो नंबर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप एन से बता दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवर गैर दो नंबर से एन आ जाएगा ओके okay, एक फॉर्मूला तो ये हो गया इससे ही एक दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन टू Number of molecules equal to number of moles into बताया था मास ग्राम मोलिकुलर मास कह दिए हो फिर वहां आपने फिर बताया था नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवर गैड्रो नंबर तो हां मैंने बताया था और मैं एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं वहां मैंने नंबर ऑफ एटम्स के लिए बताया था जब आपको एटॉमिक फॉर्म दिया हो लेकिन अगर मोलिकुलर फॉर्म में है आपका कंपाउंड तो ग्राम मोलिकुलर मास यूज करना है जब एटॉमिक फॉर्म में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास यूज करना है तो आप जब नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे ऊपर तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा और अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखोगे तो आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या यूज कर रहे हो किसके लिए सॉल्व कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के लिए तो मास एटम्स के लिए एटॉमिक मास ओके सिंपल डिस्टिंक्शन रखना है दिमाग में बिल्कुल क्लियर आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए नोट कर लिया हमने ओके okay. तो चलिए इसको यूज करके हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोगों को अपना अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव करना है और जिससे हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को कर सकें तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम of एच 54 ग्राम of एच और अगर आपको नहीं पता तो हाइड्रोजन का आप वन लीजिए और ऑक्सीजन का 16 लेंगे आप एटॉमिक मास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वॉटर किसके मोल्स वाटर के मोल्स व गिवेन गिवन में लिख लो क्या क्या है मास फिफ्टी फोर ग्राम था और ग्राम मोलिकुलर मास अब ये हर बार मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में बता रहा हूं देखो एच टू ओ के लिए हाइड्रोजन का टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन ये हो गया एटीन या तो ये आपको याद हो निकाल या फिर आपको निकालना आना चाहिए दोनों में से कोई एक काम या तो आपको याद हो एच का एटीन होता है या वो निकालना आना चाहिए मैं ये सजेस्ट करूंगा दोनों आना चाहिए आपको निकालना भी आना चाहिए और एच का याद भी रहना चाहिए वैसे याद हो जाएगा नहीं याद है तो ग्राम मोलिकुलर मास था 18 ग्राम एक मोल का मास तो अगर हम निकालना चाहते हैं यहां मोल्स तो मोल्स हो जाएगा किसके मोल्स निकाल रहे हो आप लिख लो H2O के तो किसका मास रहेगा H2O का और किसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा एच टू ओ का बताने की जरूरत थी नहीं थी मोल्स आ गया मास रखा बी फोर ग्राम मोलिकुलर तो बहुत सिंपल था अब जरा समझो यहां पे कहानी में ट्विस्ट अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि तीन मोल एच टू ओ है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ये अलग फॉर्मुला अलग क्वेश्चन कर लेते हैं इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैल्कुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ अब अगेडो नंबर के टर्म से भी निकाल लो तो भी काम चल जाएगा ओके ओके, सो हमने निकाल रखा था मोल्स ऑफ एच टू ओ दैट इज थ्री एंड वी नो दैट मोल्स अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ मोलिक्यूल इंटू अवगैडो नंबर या याडो नंबर को अगर थ्री इंटू अवगैडो और अवगैडो नंबर मैंने अभी बताया था कितना था सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री दैट इज एटीन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री ओ के अंदर में अवग एडवर या 2, 3, 2. तो तीन में कितना नंबर, सीदा -सीदा एक मोल में अवग एडवन नंबर तो तीन में कितना सीधा सीधा वैसे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटीन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन टू दी पॉवर ट्वेंटी थ्री ये तो हो गया हमसे समझ में भी आ गया अब अगर आपसे कहें हम इसके आगे के इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल चुके हो अगर हम पूछें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितना होगा ओके, okay. सो so, पहले तो बात करें जो निकाल रखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे थ्री अवग नंबर चलो मैं अवग नंबर के टर्म्स में ही बात कर लेता हूं ओके okay. और हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं H2O की ओके okay. अब एक H2O में अगर मेरे पास वन मॉलिक्यूल है एच टू ओ का तो एक मॉलिक्यूल में देखिए दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है बेसिकली एटोमिसिटी कितनी थी भाई इसके अंदर में तीन तो एक मॉलिक्यूल में दो तीन एटम थे तो अगर आपसे पूछूं मैं x मॉलिक्यूल है आपके पास एच टू ओ का कितना x मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे अरे भाई एक मॉलिक्यूल में तीन एटम थे तो एक्स मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे थ्री एक्स होंगे बहुत अच्छे तो बताओ आपके पास अगर थ्री अवरगेडो नंबर मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने थ्री अवगैडो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ एक में तीन एक्स में थ्री एक्स तो थ्री अवगैडो नंबर में नंबर ऑफ एटम्स थ्री थ्री अव गैडो नंबर दैट इज नाइन अव गैडो नंबर की जगह इंटू सिक्स अगर मान लो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन समझ में आया क्या किया हमने हमने कहा कि आप तो पहले मोलिक्यूल्स निकाल लो मोल यूज करके और फिर आप एक मोलिक्यूल में देख लेना कितने एटम्स हैं और उस एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहां आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो अलग से वो था नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी क्या था भाई नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कर देंगे अब ये तो मैंने बता दिया अब जो मैं नहीं बताया हूं वो मैं पूछूंगा देखते हैं कितने लोगों से होता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो अब तक मैंने पढ़ाया वो कितने लोगों को समझ में आया इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों अलग अलग निकालना है हाइड्रोजन एटम अलग ऑक्सीजन एटम अलग कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये बस क्लिक करना चाहिए आपको आपको क्लिक कर जाएगा तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा है बहुत आसान है कैलकुलेशन वगैरह होता रहेगा कैलकुलेशन कंसेप्ट आपको एक बार बस पकड़ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं या हो क्या रहा है कहानी चल कैसे रही एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा तो सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ओके okay? तो आपने ये निकाल लिया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाज थ्री अव नंबर अच्छा हमने ये देखा कि एच टू ओ में एच टू ओ में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है तो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम हैं ध्यान से समझो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था थ्री अवर गैटो नंबर तो कितने टोटल हाइड्रोजन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन आइटम इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या यही होगा नहीं क्लिक किया तो आप ऐसे समझो एक आपके पास बास्केट है और आपके पास है इस तरीके से फाइव एप्पल एक बास्केट में आपके पास तीन ऑरेंज है और फाइव एप्पल है अब आपको मैं कहता हूं कि टेन बास्केट है आपके पास तो बताओ टोटल ऑरेंज कितने होंगे तो आप कहोगे देखो एक बास्केट में तीन ऑरेंज है और ऐसे दस बास्केट हैं तो एक में अगर तीन है तो टोटल दस में कितना होगा टेन इंटू थ्री थर्टी क्या किया नंबर ऑफ बास्केट्स इन नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन बास्केट यही तो कर रहे हैं आप अच्छा मैं बोलू नंबर ऑफ एप्पल बताओ तो आप क्या करोगे आप कहोगे कि एक बास्केट में पांच है तो टेन में कितना होगा टेन इंटू फाइव अगर मैं कहूँ टोटल फ्रूट्स कितने होंगे टोटल फ्रूट्स कितने होंगे तो एक 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 बास्केट में कितना है तीन पांच और तीन एट तो एट इंटू टेन एटी वही तो आप कह रहे हो कि आप एक मॉलिक्यूल में जब देखते हो तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है और आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है रिलेट कर पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ बास्केट है एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहां पे ऑरेंज और एप्पल था ऑरेंज और एप्पल देता हूं तो क्वेश्चन हो जाता है लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल के अंदर में एटम कह देता हूं तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है रिलेट कर पा रहे हो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको जैसे ही पता चला और एक मॉलिक्यूल में आपको दो हाइड्रोजन मिला तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन का सीधा सीधा फॉर्मूला बना सकते हो क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन मोलिक्यूल और सिंप्लीफाई करो इसको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था थ्री इन टू अवगैडो नंबर और एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन थे दो तो ये हो गया सिक्स अवगैडो नंबर इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या क्या बनेगा ऑक्सीजन का फॉर्मूला सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल ओके सो दिस इज थ्री अवगैटो नंबर इनटू वन दैट कम्स आउट टू बी थ्री अवगैटो नंबर अब आप अवगैडो नंबर की जगह वैल्यू रख दीजिए सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू पॉइंट ट्वेंटी थ्री और आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में आंसर आ जाएगा वो करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही कैलकुलेशन कर लोगे आप ओके okay, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे तो जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था आपको तो आप ये कह रहे थे कि हाइड्रोजन दो है एक ऑक्सीजन है दोनों मिला के हो गए तीन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल जो कि होता है दैट विल गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ठीक समझ में आ गया तो चेक करें जरा कितना समझ में आया है तो जरा एक एग्जाम्पल आप करके बताओ एच टू ओ का एग्जाम्पल तो मैंने करा दिया एक एग्जाम्पल आप करें इसी तरीके का है तो मैं कह रहा हूं कि द मोलिकुलर मास इज H2SO4 एट ए एम यू कैलकुलेट द नंबर of moles of each element in 294 gram of H2SO4. Calculate the number of moles of each element in 294 gram of H2SO4. सर अभी तो आपने हमको मॉलिक्यूल्स निकालना सिखाया, नंबर ऑफ एटम्स और पूछ लिया है नंबर ऑफ मोल्स धोखा मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके मोल्स करा दिया है हाँ कराया है इसलिए कराया है ताकि आप खुद से भी तो सोचो थोड़ा सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन के कितने होंगे ऑक्सीजन का कितना होगा सल्फर का कितना होगा ऐसे तीनों एलिमेंट का आपको अलग अलग निकालना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है मास दैट इज टू फोर ग्राम और मैं ग्राम मोलिकुलर मास की बात करूं कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मेरे को आसान करना है तो नाइनटी एट जो था वो एटम्स एक मॉलिक्यूल का मास था तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 98 ग्राम तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं एच का ओके दैट इज मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास टू नाइंटी फोर ये तीन मोल मतलब मोलिक्यूल जो है H2SO4 जो है वो तीन मोल था मेरे पास यहां तक मैं कर चुका हूं अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का कितना था ऑक्सीजन का कितना था और सल्फर का कितना था तो मैं जरा देख लेता हूं H2SO4 के अंदर में दो हाइड्रोजन था एक सल्फर था एंड फोर ऑक्सीजन था तो देखो एक एच टू एसओ फोर मॉलिक्यूल में ध्यान से समझो इसको ये समझ में आ गया तो सब हो जाएगा आगे एक एच टू फोर में दो हाइड्रोजन है एक एच टू एसओ फोर में दो हाइड्रोजन तो दो एच टू फोर में चार हाइड्रोजन तीन एच टू एसओ फोर में छह हाइड्रोजन एक्स एच टू एसओ फोर में टू एक्स अगर अव नंबर एच टू एसओ फोर है तो हाइड्रोजन टू आवर गैटो नंबर और वन आवर गैटो नंबर H2SO4 कितना होता है वन मोल तो एक मोल में दो मोल एच होगा तो तीन मोल में कितना हो जाएगा H छ मोल राइट वन इज टू टू के रेशियो में है सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जितना मॉलिक्यूल है उसका डबल हाइड्रोजन है तो अगर H2SO4 का तीन मोल है आपके पास तो आप ये कह सकते हो दैट मोल्स ऑफ एच मोल्स ऑफ जितना एच टू एस फोर होगा और जितने भी एच टू एस फोर होंगे उसके डबल होने वाला है एच तो सीधा सीधा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस कम्स आउट टू बी टू थ्री इन टू दैट इज सिक्स मोल्स इसी तरीके से निकाल लो जल्दी से मोल्स ऑफ ओ कितना होगा तो मोल्स ऑफ ओ का रिलेशनशिप देखो एक मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन है तो आपके पास कितने मोल्स हैं इंटू फोर हो जाएगा तो ये हो गया थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व मोल्स मोल्स ऑफ सल्फर अगेन मोल्स ऑफ एच टू एस फोर अब एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप वन से थ्री इन टू वन दैट इज थ्री मोल अगर आपसे पूछ लू नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आप क्या करोगे मोल्स निकाल चुके हैं मोल्स में अवर गैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वहां से डायरेक्टली हम आंसर पे पहुंच जाएंगे कर लिया हमने नोट

ऑफ एच एन ओ थ्री की बात करें हम तो वो हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास दैट मोल है एच एन ओ थ्री का अच्छा अब उसमें ऑक्सीजन कितना है तो जल्दी से यहीं से देख के बता सकते हो कि एक एच एन ओ थ्री में तीन ऑक्सीजन है एक एच एन ओ थ्री में तीन ऑक्सीजन है तो दो एच एन ओ थ्री में अगर टू मोलिक्यूल हो एच एन ओ थ्री का तो सिक्स होगा यानी कि अगर एक मोल हो मेरे पास किसका एच एन ओ थ्री का तो मेरे पास एक मोल एच एन ओ थ्री में ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो एच एन ओ थ्री में तीन ऑक्सीजन है तो अगर एक मोल एच एन ओ थ्री होगा तो तीन ऑक्सीजन होंगे तीन मोल ऑक्सीजन होंगे तो आपके पास अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री इन टू एक में कितना है थ्री दैट इज टू इंटू थ्री दैट गिवस सिक्स मोर्स दैट इज द आंसर चलो इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा